सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण विधि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 10, मुझ में भी जान है। तो आओ शुरू करते हैं। रशीद के पिता रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे। लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनका गुजारा होता था। एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। रशीद ने कहा, अब्बू आज मैं लकड़ियां काट लाता हूँ। अब्बू बोले, नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो। रशीद ने कहा, अब्बू आप फिक्र ना कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यहाँ पर गुजारा का अर्थ है गुजर बसर और फिक्र का अर्थ है चिंता। एक लड़का था जिसका नाम था रशीद। उसके पिताजी रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन की बात है, रशीद के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। तो रशीद अपने पिताजी से कहता है, अबू आज मैं लकड़ियां काट लाता हूँ। तो अब्बू बोलते हैं, नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो। फिर रशीद कहता है, अब्बू आप चिंता ना कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। रशीद लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। वह एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, उसे रोने की आवाज सुनाई दी। रशीद ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई ना दिया। रशीद ने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई तो फिर किसी के रोने की आवाज आई। रशीद डर गया पर वहां कोई नहीं था। अब जैसे ही रशीद कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता है तो वह एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचता है। और जैसे ही वह पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है तो उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। रशीद इधर उधर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। रशीद फिर कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ की तरफ बढ़ता है तो उसे फिर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। यह देखकर रशीद डर जाता है। तभी रशीद की नज़र पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ रो रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ बोला, क्यों ना रोऊं? जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते? हाँ रोता हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है, शरीर से खून निकल आता है, रशीद ने कहा। इसी तरह मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, पेड़ बोला। तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? तुम तो बेजान हो, तुम में तो जान ही नहीं है, रशीद ने हैरानी से कहा। अब जैसे ही रशीद देखता है कि वहां पर कोई नहीं होता जो रो रहा है, फिर उसकी नजर पेड़ पर पड़ती है और वह देखता है कि पेड़ रो रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का अर्थ है हैरानी हुई। अब रशीद पेड़ से पूछता है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? और पेड़ बोलता है, क्यों ना रोऊं? जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते? रशीद कहता है, हाँ रोता हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है और शरीर से खून निकलता है। फिर पेड़ बोलता है, इसी तरह मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है। रशीद हैरानी से कहता है कि तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? तुम तो बेजान हो, तुम में तो जान ही नहीं है। पेड़ बोला, किसने कहा कि हम पेड़ों में जान नहीं होती? देखो हम भी तुम्हारी तरह बढ़ते हैं। जैसे तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो, हम भी नन्हे पौधे से बढ़कर पेड़ बन जाते हैं।
तुम्हारी तरह जीवित रहने के लिए हमें भी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, हम तुम्हारी तरह चलते फिरते नहीं हैं। अब यहाँ पर जीवित का अर्थ है जिंदा, भोजन का अर्थ है खाने की चीजें और आवश्यकता का अर्थ है जरूरत। पेड़ रशीद से कहता है कि उसे किसने कहा कि पेड़ों में जान नहीं होती? वह कहता है कि जिस तरह तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो, ठीक उसी तरह हम भी नन्हे पौधे से बढ़कर पेड़ बन जाते हैं। तुम्हारी तरह हमें भी जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खाने की चीजों की जरूरत होती है। बस फर्क इतना है कि हम पेड़ चल फिर नहीं सकते। पेड़ की बातें सुनकर रशीद की हैरानी और भी बढ़ गई। वह बोला, लेकिन मेरे अब्बू तो रोज लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। पेड़ फिर बोला, तुम्हारे अब्बू सूखे हुए पेड़ों को काटते हैं, हरे भरे पेड़ों को नहीं। हम पेड़ तो तुम्हें फल, लकड़ी, गोंद, दवाई, रबड़ और अन्य चीजें देते हैं, वायु को साफ करते हैं जो तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे अब्बू भला हमें क्यों काटेंगे? रशीद को बात समझ में आ गई। वह बोला, पेड़ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। रशीद कुल्हाड़ी उठाकर सूखे पेड़ की खोज में आगे बढ़ गया। बच्चों, वायु का अर्थ है हवा और खोज का अर्थ है तलाश। अब जैसे ही पेड़ कहता है कि पेड़ों में भी जान होती है, तो यह सुनकर रशीद की हैरानी और भी बढ़ जाती है। वह कहता है कि उसके अबू तो रोज लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। पेड़ फिर रशीद को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे अबू हरे भरे पेड़ों को नहीं काटते, वह सूखे हुए पेड़ों को काटते हैं, क्योंकि हरे भरे पेड़ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत सी आवश्यक चीज़ें मिलती हैं और हरे भरे पेड़ हवा को साफ करते हैं जो तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। तो तुम्हारे अब्बू भला हमें क्यों काटेंगे? यह सुनकर रशीद को बात समझ में आ गई। वह बोला, पेड़ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। तो फिर रशीद अपनी लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर एक सूखे पेड़ की खोज में आगे बढ़ जाता है। बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जरूरत के लिए हरे भरे पेड़ों को नहीं बल्कि सूखे पेड़ों को काटना चाहिए। और आओ अब इस कहानी से संबंधित शब्द अर्थ कर लेते हैं। गुजारा, गुजारा का अर्थ है गुजर बसर। फिक्र, फिक्र का अर्थ है चिंता। आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ है हैरानी। जान, जान का अर्थ है प्राण। जीवित, जीवित का अर्थ है जिंदा। भोजन, भोजन का अर्थ है खाने की चीजें। आवश्यकता, आवश्यकता का अर्थ है जरूरत। वायु, वायु का अर्थ है हवा। और खोज, खोज का अर्थ है तलाश। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।